हाय गाइस, हम लोग आज आए हुए हैं यहाँ पे जीपीएस स्कूल में। जीपीएस यानी गायत्री पब्लिक स्कूल, ये आगरा सिटी का एक रेपुटेटेड स्कूल है। आज यहाँ हमारे बेटे अथर्व कश्यप का एनुअल फंक्शन है। एनुअल फंक्शन को हम लोग देखने आए हैं, अटेंड करने आए हैं। देखिए, ये हम लोग गेट से एंट्री लग रहे हैं। आज की थीम है कृष्णोत्सव। आप देख सकते हैं कि हर तरफ श्री कृष्ण का ही बैकग्राउंड बनाया हुआ है। श्री कृष्ण का ही मतलब सब कुछ, तस्वीर, फोटोज सब आपको दिखाई देंगी। डेकोरेशन श्री कृष्ण के बिहाफ पे किया गया है। आज इस एनुअल फंक्शन, इस वार्षिकोत्सव में जो मेन थीम है वो श्री कृष्ण की ली गई है, और उन्हीं से रिलेटेड सारे प्रोग्राम्स भी आज यहाँ कंडक्ट कराए जाएंगे। ये मैं आपको साथ में स्कूल्स भी दिखाता जा रहा हूँ। स्कूल ये देखिए, ये यहाँ पे ये कैंटीन बनाई है खाने पीने के लिए, क्योंकि प्रोग्राम काफ़ी लंबा चलेगा, क्योंकि 3 घंटे का दिन का प्रोग्राम होगा। छोटे छोटे बच्चे भी आएंगे, और किसी को अगर भूख लगे तो वो यहाँ कैंटीन खा भी सकता है। ये देखिए, रेड कारपेट बनाया हुआ है लोगों को वेलकम करने के लिए, और ये फर्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। ये स्कूल की बिल्डिंग है। डेकोरेशन देख सकते हैं आप, कितना अच्छा कितना प्यारा डेकोरेशन है, और हर तरफ देख सकते हैं। और ये स्कूल है, ये पूरा बिल्डिंग है मेन फ्रंट है इनका। ये सामने स्टेज बनाई गई है, और ये फर्स्ट प्रोग्राम है आरती के साथ, प्रार्थना के साथ श्री कृष्ण का ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। और ये प्यारे प्यारे बच्चे अपनी श्री कृष्ण का वंदना कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग रूपों को यहाँ पे अलग अलग जीवन काल की जो उपलब्धियाँ हैं उनको दिखाया जा रहा है। कभी उनका देश, कभी उनका दोस्त, कभी उनका स्वयं, कभी उनका समर्पण, आप सब इन प्रोग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ जो ये प्रस्तुति दे रहे हैं, ये आपका मन बोलेंगे। आप देख सकते हैं बच्चों में कितना उत्साह है, किस आनंद के साथ वो अपनी ये प्रस्तुति यहाँ पर दे रहे हैं। स्टेज पे आके, स्टेज से बाहर आके, हर तरीके से अपने आवेग को, अपने मोमेंटम को शो कर रहे हैं। ये उनकी महीनों की मेहनत है। कोई भी प्रोग्राम होते हैं सफल नहीं होता, प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। टीचर, बच्चे, इवन मैं तो ये कहूँगा कि उनके पेरेंट्स भी जब सबके सपोर्ट से उनका ऐसे प्रोग्राम सक्सेसफुल होते हैं। और आप देख सकते हैं कि पीछे जो रेड कलर पकड़े हुए ये बच्चा खड़ा है, ये हमारा बेटा है नाम है उसका कंस्ट्रक्चर, अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है यहाँ पे सब बच्चों के साथ। देख सकते हैं आप वो पौधे में जो बच्चा मैं घुमा रहा है, वही हमारा बेटा है कंस्ट्रक्चर। और उसके साथ ये उसकी क्लास के बाकी बच्चे, और बाकी क्लास के बाकी बच्चे भी हैं। इस प्रोग्राम का नाम है फ्रेंड्स ओशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सागर। आप लोगों को याद होगा कि जब महाभारत युद्ध पर अर्जुन जो है वो विचलित हो गए थे कि मैं अपने भाइयों के प्रति, मैं अपने सभी संपत्ति के प्रति कैसे लड़ाई लड़ूँ, मैं उसका वध कैसे करूँ, ये भीष्म पितामह का सीन दिखाया जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको गीता का ज्ञान दिया था, और ये समझाया था, ये बताया था कि धर्म की रक्षा के लिए आपको अपनों से भी युद्ध करना पड़े तो आप कर सकते हो। धन की रक्षा के लिए अर्जुन से आगे बढ़ गए, धन का साथ ना देते हुए, धन का साथ देते हुए गीता उपदेशों को मानते हुए एक दुनिया के सामने एक विशाल कायम की थी। ये देखिए भगवान कृष्ण के प्रतिरूप के बच्चे ने कितनी अच्छी प्रस्तुति देते हुए कृष्ण अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान के सागर से अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं। ये सभी, ये जो श्लोक अभी चल रहा है, ये हम सभी ने सुना होगा कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं संसार में आता हूँ। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं संसार में आता हूँ। धर्म का नाश करने के लिए अधर्म का चुनाव भी चाहूँगा, धर्म का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, लोगों के सुख और कल्याण के लिए मैं बार बार संसार में आता रहूँगा। और ये देखिए किस तरीके से